जिला में हैंड फुट माउथ डिजीज से संक्रमित एक साथ 5 बच्चों के मिलने से हड़कंप मच गया था, लेकिन अब उनकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। ये स्वास्थ्य विभाग के लिए राहत भरी खबर है। हालांकि बच्चों को अभी घर में ही आइसोलेट किया गया है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरुण शाह लगातार बच्चों के परिजन के कॉन्टेक्ट में है। वे पल पल के अपडेट ले रहे हैं। बुखार भी धीरे धीरे कम होने लगा है। वहीं अभी भी स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सिविल सर्जन उमेश चंद्र शर्मा ने कहा कि अभी तक सरकारी अस्पताल के इस तरह के मरीज नहीं आए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। साथ ही बताया कि यह बीमारी छूने और छींकने से फैलती है, इसलिए जरूरी है कि संक्रमित बच्चों को आइसोलेट करें, फिर साफ सफाई का खास ध्यान रखें, बच्चों को सैनिटाइज करते रहे, उन्हें दूसरे के संपर्क में नहीं आने दें जब तक वे पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते। उन्होंने कहा कि इस बीमारी का कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है, सिस्टम के अनुसार इलाज होता है। बुखार लगने पर पैरासीटामोल का टैबलेट और दाने पर लगाने के लिए लोशन दिया जाता है। इसी के इस्तेमाल से धीरे धीरे बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होता है। सरकारी अस्पताल में, यहाँ चाहे मेडिकल कॉलेज में या किसी सुलह प्रखंड में, कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है। प्राइवेट काफी लोगों के माध्यम से मिल रहा है, फिर भी हम लोग सब लोगों को अलर्ट कर दिए। अभी भी प्रभारी लोग आए हुए थे, सुलह प्रभारी आए हुए थे, सब लोगों को। सर, उसका मुख्य लक्षण क्या है? सर, मुख्य लक्षण यही है कि उसमें वो हाथ में फफोला टाइप का होने लगता है, लाल रैश होने लगता है, मुंह में भी हो जाता है, अंदर जीभ में, तालू वगैरह में, और बहुत जल्दी फैलता है हाथ और मुंह में। 5-6 घंटे के अंदर में हाथ के बाद में मुंह में हो जाता है, लेकिन कोई बहुत सीरियस नहीं है, इसमें कोई मरने का चांस नहीं रहता है। फिर भी हम लोग अलर्ट है कि जहाँ भी अगर रिपोर्ट होता है उसका तुरंत सूचना। कितने से कितने वर्षों के बच्चों को ये सर होता है? ये अभी अक्सरहा दे रहा है कि 12-14 साल से नीचे लोगों को जो भी केस मिला है उसमें आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट एज अभी तक, मैंने जब केस पता चले कि एक्चुअली में बीमारी है क्या, कौन सी वायरस से है एक्चुअल में,